एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको सारे फार्मूलाज लिख कर दिए थे अरिथमेटिक मीन निकालने के, ठीक है। हमने इनडायरेक्ट मेथड यानी जिसमें हमें डाटा इस तरह क्लास की शक्ल में नहीं दिया होता, उसमें से हमने जो है वो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालना सीखा था। अब हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन उसमें फाइंड करने का कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो ये कहा है कि डायरेक्ट मेथड से जो है वो आप यानी ग्रुप डाटा के लिए, ये ग्रुप डाटा है सॉरी, ग्रुप डाटा के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड निकालें, वो था अनग्रुप डाटा। अब हमें ये पता चल गया, ऊपर उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक पे, देखिए द मार्क मतलब मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इन मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। उसने सिर्फ ये बताया करना है कि इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से करें, उसने ये नहीं बताना कि ये ग्रुप डाटा के लिए डायरेक्ट मेथड है या अनग्रुप डाटा के लिए डायरेक्ट मेथड है, वो आप खुद ही पता चलोगे आपको जब ये टेबल फॉर्म में पता चल जाएगा। मैंने आपको कहा था जब ग्रुप डाटा दिया होता है तो उसमें आप ये देखते हो कि उसमें इस क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है ये ग्रुप डाटा। हमें ये पता चल गया, हमने इसके मुताबिक उसकी वैल्यूज निकाल ली है। डायरेक्ट मेथड में जो अरिथमेटिक मीन था उसका फॉर्मूला ये था, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो इससे हमें पता चला, अब हमें इसमें एफ तो है हमारे पास, हमें एफ एक्स की मल्टीप्लीकेशन चाहिए और उसका समेशन चाहिए और नीचे समेशन एफ भी चाहिए। हमने सबसे पहले क्या किया, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी उन सबको जमा किया और उसका समेशन एफ निकल गया। समेशन का मतलब होता है सम करना, यानी फ्रीक्वेंसी को सम करना, वो 40 आ गई हमारे पास, नीचे वाली वैल्यू आ गया, ऊपर वाली वैल्यू फाइंड करने लगी है। इसमें एक्स भी लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले हम एक्स फाइंड आउट करेंगे। एक्स मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्स का मतलब होता है मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, ये वाली और ये वाली, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री को ऐड करते हैं और उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 4.5। इसको और इसको ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये वाली वैल्यू। इसको और इसको ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये वाली वैल्यू। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये वाली वैल्यू। इस तरह ये और ये भी, ये आ गया एक्स। उन्होंने कहा था कि एफ एक्स यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करें। हमने क्या किया, एफ तो हमारे पास पहले से था, एक्स भी हमारे पास आ गया, इन दोनों को क्या किया, इस बॉक्स में मल्टीप्लाई किया। देखिए 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 14.5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 24.5 से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर्स आ गए। कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा होगा। अब उसने कहा था इन सब का समेशन निकालिए, लेकिन समेशन निकाले किसका, एफ एक्स का। हमने दोनों का क्या ले लिया, मल्टीप्लीकेशन, उसका निकाला समेशन, इन सबको जमा किया तो ये आपके पास आ गया। हमने क्या किया, हमें पता है मीन को जो है वो मीन भी कहते थे और अरिथमेटिक मीन भी कहते थे, दोनों नाम उसी के होते हैं। अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट मेथड ग्रुप डाटा के लिए उसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू भी आ गई और नीचे वाली वैल्यू भी आ गई, ऊपर उसकी वैल्यू पुट की, नीचे 40 वैल्यू पुट की, और इसका आंसर आ गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड से 32.5। अब उसने कहा था इसको इनडायरेक्ट मेथड से भी करें, अगर आपको सिर्फ उसने इनडायरेक्ट मेथड दिया होगा तो आपको दोबारा टेबल बनाना पड़ेगा। हमें उसने कहा था कि इसी में डायरेक्ट करें, इसी में इनडायरेक्ट करें, तो मैंने यहाँ तक करने के बाद आगे एक और दो लाइंस और लगा ली। देखें, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला होता है वो ये होता है ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, यानी हमारे पास एफ तो है पहले से, हमारे पास जो डी नहीं है तो हम इसमें डी निकालेंगे, यानी हमें इसमें इस ब्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये इस ब्लॉक की तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एक्स चाहिए वहाँ पर। हमने क्या किया, उसने कहा मैंने आपको बताया था पीछे कि डी कैसे निकालते हैं, डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, यानी हर एक्स में से ए को माइनस करते हैं। ए कहाँ से आएगा, मैंने आपको कहा था ये जो एक्स की वैल्यूज हुआ करेंगी इसमें से आपने कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, मोस्टली हम सेंटर वाली वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। मैंने ये वाली सेलेक्ट कर लिया, आप ये भी कर सकते थे और ये भी कर सकते थे, ये चूज कर लिए, ये ए ले लिया हमने अपनी मर्जी से, ठीक है। इसको हमने ए लेट कर लिया कि ये ए होगा हमारे पास। तो अब यहाँ देखें, इसका मतलब था इस बॉक्स में कि d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए है, पहला x आपके पास था 4.5, तो हमने कहा 4.5 माइनस ए, दूसरा x था 14.5 माइनस ए, थर्ड में से 24.5 माइनस ए, यानी इसकी जगह x की वैल्यू रखते जाने और उसको ए में से माइनस करते जाने, जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आती जाएंगी। अब जो वैल्यूज उसने कही, उसने कहा एफ डी निकालें, यानी एफ को डी से मल्टीप्लाई करें। हमारे पास सब एफ है, हमने ए फर्स्ट वाला एफ लिया और उसको फर्स्ट वाले डी से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 × -30। दूसरा वाला एफ लिया और दूसरे वाले डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरा वाला एफ लिया तीसरे वाले डी से मल्टीप्लाई कर दिया,
यानी हमने एफ डी निकालना है, तो इसका मतलब उसमें एफ होगा और डी होगा। हर वैल्यू के लिए उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। मैंने यहाँ पर आप डायरेक्ट कर दिए, यहाँ पर मैं स्टेप करके दिखाई है दो में, ठीक है। आपको करने की जरूरत नहीं, कर देंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्ट भी आप लोग कैलकुलेटर से लिख के उसके आंसर लिख सकते हैं। एक स्टेप करके बता दीजिए कि हमें ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसका चाहिए था समेशन, तो हमने क्या किया, इन सब एफ डीज को प्लस किया, तो ये समेशन एफ डी आ गया और ये था माइनस एफ डी। हमारे पास अब सब चीज़ें गिवन है, हमने क्या किया, इसको नीचे पुट करना है, एक्स बार की जगह लगाना है ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। तो ऊपर समेशन एफ डी की वैल्यू पुट की, नीचे समेशन एफ की वैल्यू पुट की, यहाँ ए की जगह जो हमने ए ले लिया था वो हमने रख दिया। ये प्लस माइनस माइनस आ गया, ऊपर नीचे डिवाइड किया, 41 जा 40, 42 जा 80, ये 2 आ गया, और इसको इसमें से माइनस किया 32.5। लेकिन डायरेक्ट मेथड से किया तब भी यही आंसर आया, इनडायरेक्ट मेथड से किया तब भी यही आंसर आया। आंसर सेम आएगा मेथड चेंज भी हो, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।